तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है वो है फन टूल सेट का कलेक्शन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास है यूनिक टूल सेट। यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट वाला टूल सेट है उसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे 250 रुपये के आसपास मिला है। उसके बाद यहाँ पे ये जो छोटा वाला टूल सेट है वो मुझे 200 रुपये के आसपास मिला है। और दोस्तों लास्ट में जो ये कैरी बैग वाला टूल सेट है वो मुझे दोस्तों 250 रुपये के आसपास मिला है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो जो देखना तभी आप लोगों को मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन तीन प्रोडक्ट में से कौन सा वाला टूल सेट आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा वाला सही है आपके लिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000 लाइक। तो मुझे पता है कि दोस्तों आप लोग लाइक को जरूर पूरा करोगे। तो चलिए तो दोस्तों ज्यादा वर्क ना करवाते, पहले मैं ये जो छोटा वाला टूल सेट है वो आप लोग को दिखा देता हूँ। वैसे दोस्तों ये जो टूल सेट है यार काफ़ी मस्त लग रहा है, फिर भी देखेंगे भाई प्लास्टिक क्वालिटी कैसी है। तो इन दोनों को रख देता हूँ साइड में। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो ज़्यादा कुछ सामान आने वाला नहीं है और बहुत ही छोटा सा टूल सेट है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा पहले जो टूल मिलने वाला है वो आप लोगों ने यार बहुत बार देखा होगा, जो मेटल का टुकड़ा होता है या फिर कोई एल्यूमिनियम की पाइप होती है तो उसको ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। तो कुछ इस तरह यहाँ पे फंसानी होती है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो वाला स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से घुमाना पड़ता है। तो वो दोस्तों जो एल्यूमिनियम की पाइप है वो यहाँ पे फिट हो जाएगी, फिर दोस्तों आराम से मोड़ सकते हो या फिर काट सकते हो। ये कुछ दोस्तों इसी टाइप का टूल है। तो यार काफ़ी मस्त, और प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो दोस्तों काफ़ी हैवी क्वालिटी आपको मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है जो बोल्ट को खोलने में ओपन करता है, ये सिर्फ एक ही मिलने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों लकड़ी वकड़ी काटने के लिए कारी भी मिलने वाली है, यार काफ़ी मस्त बनाई गई है, ये देखिए काफ़ी बेस्ट। के बाद यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर भी मिलने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है। और ये देखिए आप दोनों साइड से स्क्रू को खोल सकते हो। इसको तो यार बहुत बार देखा होगा, ये कहीं पे यार रोड बन रहा है या फिर खड्डा बड्डा है तो ये उसके आगे मिल जाएगा कुछ इस तरह रखने के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं हमारी हैमर की। दोस्तों जो हैमर है वो यार काफ़ी मजबूत आपको मिलने वाला है और ये निकलता भी है वापस, आप लोग इसको लगा सकते हो। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो दोस्तों काफ़ी हैवी क्वालिटी मिलने वाली है, बहुत ही मस्त, ये देखिए आप लोग डिज़ाइन भी देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही दोस्तों छोटा सा पकड़ भी मिलने वाला है, यार ये मुझे यार काफ़ी बेस्ट लगा, काफ़ी मस्त तरह से, ये देखिए कितना छोटा है, बहुत ही छोटा सा ये देखिए। और काफ़ी दोस्तों हैवी भी है, ये टूटने वाला नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अभी हमारे पास है फन टूल सेट, तो इसको भी मैं फटाफट से कर लेता हूँ ओपन, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हमें एक गोगल मिलने वाले हैं जो यार आप लोगों ने है ना बहुत बार देखे होंगे। और यहाँ पे इलास्टिक भी मिलने वाली है। ये दोस्तों गूगल इसलिए मिलने वाले हैं कि अगर कोई कारीगर काम कर रहा है तो उसकी आँख में यार कचरा बचरा या फिर जो स्टील का पाइप काटने से वो जो होता है ना चिंगारी होती है वो ना जाए, सो इसके लिए ये गूगल मिलने वाला है। और प्लास्टिक की बात करो दोस्तों काफ़ी हैवी प्लास्टिक है, ये देखिए मुड़ भी नहीं रहा, काफ़ी हैवी है। और यहाँ पर कोई काँच वाच मिलने वाला नहीं है दोस्तों, ये प्लास्टिक लगाया गया है। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले ही दिखा दिया था कि ये जो वाला दोस्तों स्ट्रक्चर है वो कोई भी एल्यूमिनियम की पाइप हो या फिर स्टील की पाइप हो उसको पकड़ने के लिए ये कुछ पकड़ जैसा बनाया गया है, ये देखिए। और प्लास्टिक की बात करो दोस्तों ये भी काफ़ी हैवी प्लास्टिक है, काफ़ी बेस्ट है। और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बोल्ट्स मिल जाएंगे और यहाँ पर स्क्रू भी है। और यहाँ पर हमारे पकड़ को भी देख सकते हो, पकड़ की क्वालिटी दोस्तों मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि ये देखिए, वैसे दोस्तों जो प्लास्टिक है वो आपको काफ़ी बेस्ट मिलने वाला है लेकिन जो क्वालिटी है वो यार नॉर्मल सी है, उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों एक और बोल्ट मिलने वाला है, पहले जो दिखा वैसा ही। और यहाँ पर आप लोग को ये बोल्ट लग रहा होगा लेकिन ये बोल्ट नहीं है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ क्या है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर जो कारी है लकड़ी काटने की या फिर स्टील को भी कट कर सकते हो, तो क्वालिटी दोस्तों काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी मस्त। और दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर आपके किड्स इसके साथ खेलते हैं तो कोई भी दोस्तों चोट वोट लगने का कोई ख़तरा नहीं रहता क्योंकि यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया ताकि किसी को यार चोट ना लगे। तो ये आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त। और इसके बाद यहाँ पर बड़ा वाला दोस्तों पकड़ मिलने वाला है और ये देखिए कुछ इस तरह का ये ओपन होता है, जैसे कि दोस्तों ये रियल हो तो ये देखिए वापस से ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो वाला टूल है वो किस काम आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो प्लास्टिक की क्वालिटी है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी और मजबूत है। हमारी लास्ट चीज़,
ये तो दोस्तों कारीगर की मेन चीज़ होती है। और यहाँ पे ये देखिए स्विच भी यार ऑन ऑफ होता है, लेकिन ये सिर्फ आपको सोप इसके लिए ही मिलने वाला है। यहाँ पे कोई भी बैटरी का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको सोप इसके लिए ही मिलने वाला है। ये जो वाला दोस्तों स्ट्रक्चर था वो दोस्तों यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए ये दीवारों पे छेद करने के लिए ये टूल काम आता है, कोई भी तस्वीर वस्वीर लगाने के लिए या फिर वायर फिटिंग के लिए। तो ये दो तरह के टूल आपको मिलने वाला है, एक ये वाला और यहाँ पे ये बोल्ट को ओपन करने के लिए। तो यार काफ़ी मस्त। अभी दोस्तों हमारे पास है लास्ट वाला प्रोडक्ट फनी टूल सेट, और यहाँ पे आपको साथ में एक कैरी बैग भी मिलने वाली है। तो फटाफट से इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो यार ये बहुत ही आसानी से ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक नॉर्मल लकड़ी मिलने वाली है, प्लास्टिक की बात करो दोस्तों काफ़ी हैवी क्वालिटी मिलने वाली है आपको, ये देखिए काफ़ी मस्त। और यहाँ पे ये दो बोल्ट्स है, स्क्रू शायद अंदर हो गए, नहीं ये रहे स्क्रू, ये देखिए। और जो स्क्रू है दोस्तों वो भी काफ़ी यूनिक से दिए हुए हैं और काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहे हैं, ये देखिए काफ़ी मस्त। और ये जो वाला दोस्तों टूल है वो तो यार आप लोगों ने बहुत बार देख ही लिया है, ये स्टील को फिट करने में मदद करता है। और यहाँ पे जो दोस्तों आप लोगों को पहले ही पकड़ दिखाया कि चीज़ों को पकड़ने के लिए ये जो वाला पकड़ है वो काम आता है, तो ये भी दोस्तों धीरे धीरे से बंद हो रहा है। और ये लेके आने वाला, तो चलिए तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।